हेलो बच्चों, माय नेम इज़ नेहा पाटिल। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण का सेकंड लेसन, भाषा के रूप, टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। बच्चों, हम अपनी बात अलग अलग तरह से कह सकते हैं। जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो, धन्यवाद भाई। यह पिक्चर है, इस पिक्चर में क्या दिखाया गया है, भाई बहन फ़ोन पर बात कर रहे हैं। भाई अपने बहन को जन्मदिन की बधाई दे रहा है, जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो, और बहन आंसर कर रही है धन्यवाद भाई। यहाँ पे भाई बोल रहा है और बहन सुन रही है। इन चित्रों में अंकित बोलकर अपनी बात कह रहा है और सेजल सुनकर समझ रही है। यह भाषा का मौखिक रूप है। तो भाषा का मौखिक रूप क्या है, अंकित बोल रहा है और सेजल सुन रही है और सुनकर समझ रही है, यह भाषा का मौखिक रूप है। ठीक है, अध्यापिका शाम पट पर लिख रही है और बच्चे पढ़कर समझ रहे हैं, यह भाषा का लिखित रूप है। अध्यापिका शाम पट पर लिख रही है, अध्यापिका मतलब टीचर, शाम पट पर लिख रही है मतलब बोर्ड पर लिख रही है, और बच्चे सब पढ़कर समझ रहे हैं, यह भाषा का लिखित रूप है। समझे बच्चों, मतलब अध्यापिका लिख रही है और बच्चे समझ रहे हैं, उसको लिखित रूप कहते हैं। बच्चों, इस प्रकार बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना भाषा के ही काम है। इसके द्वारा ही हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। हम अपनी बात दूसरों तक कैसे पहुंचाते हैं, तो बोलकर, फिर सुनकर, फिर पढ़कर और लिखकर, ये भाषा के काम है। इससे ही हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो बच्चों, हमने भाषा के कितने रूप देखे, एक मौखिक रूप और दूसरा लिखित रूप। अभी आगे, अब तक हमने सीखा, जब हम बोलते हैं तो दूसरे सुनते हैं, यह मौखिक भाषा है। समझ गए। दूसरा, जब हम लिखकर कुछ बताते हैं तो दूसरे पढ़कर हमारी भाषा को समझते हैं, यह लिखित रूप है। तो बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना भाषा के काम है, यह हमने अभी पाठ में सीखा। ठीक है, अभी आते हैं अभ्यास। क्वेश्चन नंबर 1, चित्र देखकर सही उत्तर पर टिक लगाइए। तो बच्चों, ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है, तो बताओ ये चित्र में क्या हो रहा है। ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है बोलना और लिखना, तो सही आंसर क्या होगा, बोलना, क्योंकि ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा, ये वाले चित्र में क्या दिखाया गया है, वो बच्चा पढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है पढ़ना, लिखना, तो वो बच्चा क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, इसलिए आएगा पढ़ना। तीसरा, देखो ये चित्र में क्या दिया गया है, वह फोन पर सुन रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या दिया है, सुनना और पढ़ना, तो सही आंसर क्या होगा, सुनना, क्योंकि वो फोन पर सुन रहा है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, चित्र देखकर भाषा के रूप लिखिए। पहला चित्र है कि वह नानी दोनों बच्चों से बातें कर रही है, तो ये कौन सा रूप है भाषा का, भाषा का मौखिक रूप है। तो लिखिए बच्चों, मौखिक रूप भाषा। ठीक है, दूसरा चित्र क्या दिया गया है, देखो दूसरे चित्र में दिखाया गया है कि वह बच्ची लिख रही है। ठीक है, तो ये भाषा का कौन सा रूप हो गया, लिखित भाषा।
ठीक है। तो हमने इस पाठ में क्या क्या देखा, भाषा के रूप, एक मौखिक भाषा और लिखित भाषा, ठीक है। थैंक यू।